ऐसा की तरफ कश्मीर वाली साइड पर उधर अभी हो नहीं रही है सर इतनी, अभी सिस्टम क्लियर नहीं ना हुआ है। 370 तो टूट गया पर अभी उधर का हालात ठीक नहीं है, लड़ाई चल रही है अभी टेररिस्ट रोए। कोई कोई दिन ऐसा नहीं होता जिस दिन मरते ना हो। हाँ उधर एक दो बंदा चल रहा है, दो तीन दिन। कितना है कश्मीर यहाँ से? सर यहाँ से कोई 280 किलोमीटर है कटरा से, बट ये सेफ एरिया है। जो जम्मू है ना ये कटरा बिल्कुल लग गया है। जम्मू पहले भी सेफ? हाँ जम्मू के साथ लगता है बॉर्डर, जम्मू के साथ लगता है, जम्मू से आगे यहाँ से तो 60-70 किलोमीटर के बाद बॉर्डर है कश्मीर का। हाँ पाकिस्तान का। हाँ यहाँ से लगता है बल्कि श्रीनगर से आगे वो उधर से ज़्यादा दूर है, लेकिन इधर इतने पंगे नहीं होते हैं जितने वहाँ होते हैं, क्योंकि इधर लोग उनको सपोर्ट नहीं करते हैं तो घुसने नहीं देते हैं, वहाँ पे वो लोग मिल जाते हैं तो तभी उस चक्कर में। हाँ बाकी 370 टूटने के बाद सर बड़े प्रोजेक्टों पे बड़े अच्छे काम हो रहे हैं। देखो ये जो काम लगे हुए हैं ना दिन रात चल रहे हैं, बड़े बड़े काम हो रहे हैं, छोटे काम अभी चल नहीं रहे। लोगों को रोजगार बढ़ा है यहाँ पे? रोजगार सर अभी तो फिलहाल कंपनियाँ काम कर रही है बाहर के, बट अभी तक तो हुआ नहीं कुछ ऐसा, लेकिन होगा अभी आगे जब बनेगा तो। कोरोना बाहर के नहीं लगाते हैं सर, इधर के लगाते नहीं है लोगों को काम में, बाहर की कंपनियाँ लगी हैं बड़ी बड़ी, अफगान कंपनी हो गई ऐसे, दूसरी ये गाड़ियाँ जा रही है ऐसे, बाहर के बंदों को लगाया, इधर तो को काम अभी मिला नहीं है पर मिलेगा आगे जैसे काम चल रहा है अभी। कोरोना में काम हुआ भी नहीं है ना? कोरोना में नहीं हुआ सर, दो साल से तो बिल्कुल बंद था काम। अभी ये देखो ये रास्ते बन रहे हैं, जो ये सभी काम अभी हो रहे हैं, ये पहले होने चाहिए थे जो 10 साल पहले, वो आज हो रहे हैं। बिल्कुल अभी अभी पैसा खा नहीं ना रहा है कोई सर, पहले वो खा लेते थे लगाते नहीं थे पैसा। हाँ अभी सीधा गवर्नर काम करवा रहा है तो अभी डायरेक्टर ग्राउंड पे पैसा लग रहा है, जो दलाल थे दलालों का काम खत्म हो गया है आज। अभी डेट में सर देखो मैं सच्ची बात बताऊँ, मेरे को कोई नफरत नहीं है सरकार से या कोई ऐसी बात नहीं है, काम तो अभी रोजगार खोलो मैं सच्ची बात बताऊँ तो अभी नहीं है, अभी नहीं है अभी, क्योंकि मैं 5 साल पहले 6 साल से ऑटो चला रहा हूँ, हम जैसे पहले थे वैसे ही आ जाए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ा 370 से कि कुछ नुकसान हुआ या फायदा हुआ। हाँ करप्शन से हुआ जी है कि जो धांधली होती थी ना चोर बाजारी थोड़ी खत्म हो गई है, और उस चीज में वैसे ऐसे बड़े बड़े काम हो रहे हैं, बड़े बड़े इन्होंने ऐसे नेशनल हाईवे बन रहे हैं, रास्ते अच्छे हो रहे हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्टों पे ही काम चल रहे हैं। ठीक है बन रहा है ये रेलवे ब्रिज है जो इधर वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट रेलवे ब्रिज बन रहा है, सबसे हाइट है जिसकी हाइट उससे आगे जाके है वो, यहाँ से कोई 70 किलोमीटर आगे है सर, वो एक चिनाब रिवर है ना जो शिवपुरी जाते हैं। हाँ वो आता है पुल, बट वो उस रास्ते से दिखता नहीं है वो पुल, वो यहाँ से अभी वो जो ये पहाड़ियाँ नहीं नहीं सर वो इधर से नहीं दिखता, नथा टॉप तो वो अलग पड़ गया ना, वो तो ये यही रास्ता जो जा रहा है ना इधर जहाँ से अभी हम आए हैं, ये रास्ता जा रहा है चिंकोड़ी को आगे से रियासी जो जहाँ की डिस्ट्रिक्ट है। हाँ जिला जो वहाँ से दो रास्ते अलग होते हैं, वो एक रास्ता ऊपर की तरफ जो ये माता की पहाड़ी है, इस पहाड़ी के पीछे ही बन रहा है वो पुल, पुल बन रहा है वो इन पहाड़ियों के पीछे है, वो यहाँ से कोई 65 किलोमीटर है। बाकी हमें तो ये पुल सर 2-3 बार बनता बनता कैंसिल हो गया, अटल बिहारी वाजपेयी ने रखा था 2001 में इसकी नींव रखी थी, तो ये बनते बनते कंपनियों ने भी फेल कर दिया कि ये नहीं बन सकता है क्योंकि बड़ा हाइट पे था, लेकिन 2014 के बाद इसको दोबारा परमिशन मिली तो ये दिन रात काम चल रहा है, अभी 1-2 साल में ये कंप्लीट हो जाना, फिलहाल बन ही गया है, सिर्फ ट्रैक बिछाना है ना उसके ऊपर, बाकी तो बनाने की इच्छा शक्ति नहीं थी पहले, अभी बनाने की इच्छा शक्ति है। मोदी जी ने इनको बोला कि भाई अगर लगे थे तो बन भी सकता है, 380 मीटर ऊंचा है चिनाब रिवर से, वो बोलते हैं कोई आईफोन टावर क्या है जो सबसे बड़ा है बोलते हैं उससे 20 मीटर की 30 मीटर हो जाए। सर आपने चौक पे उतरना ना? हाँ थोड़ा जाम होता है, मैं इधर तो हमें तो खुशी ये है सर कि पहले माता रानी का नाम वैसे भी वर्ल्ड में आता ही था, बट अब वो पुल बन रहा है ना जो उससे भी थोड़ा और नाम आ जाएगा कि इधर के जिले में बन रहा है। हाँ चलो जब बनेगा तो उसका उसके बाद आएंगे, पर अभी तक होगा तो अब जैसे आप बोल रहे हो ना जमीनें खरीद रहे हैं, जमीनें तो इधर काफी खाली पड़ी हैं ऐसे भी, लेकिन इधर लोग कम ले रहे हैं लोगों की। रेट क्या है सर? रेट तो बड़ा हाई है जी, समझ लो अब कोई सिटी के अंदर तो जैसे एक दुकान हो गई 10x10 12x12 की,
तो इधर सिटी के अंदर तो 20 लाख के करीब है, लेकिन जैसे ये साइड पे एरिया हो गए तो इधर 2-3 लाख रुपए में भी मिल जाती है जो 2-4 किलोमीटर सिटी से बाहर है। अभी इतना भाव है नहीं है, कश्मीर वाली साइड लोग ज़्यादा रुख कर रहे हैं कि उधर लें ज़मीनें, इधर तो सिर्फ यही बन रहे हैं, पुल हो गए, कोई ग्राउंड है, स्टेडियम वगैरह, ऐसी स्पोर्ट्स की चीज़ें जैसे बना रहे हैं। आप यहाँ पे देखो ना, साफ सफाई एक कितनी बढ़ गई है, साफ सफाई अच्छी है, दूसरा सुरक्षा जो है वो कितनी टाइट हो गई है इस समय। अभी ये श्राइन बोर्ड है ना, ये भी सेंटर के अंडर हो जाना है, इसके पीछे भी लगे हैं हाथ होकर लगे हैं, क्योंकि इन्होंने सर बहुत जम्मू कश्मीर के जितने भी धांधली कर रखी थी, धांधली क्या सर, इन्होंने गवर्नमेंट को कर्जे में डुबो के रखा हुआ है, इतना पैसा देते हैं ये, तो अभी गवर्नमेंट की नज़र पड़ गई है इन पे कि आप इन पे भी कब्जा हो जाना है, अब ये सेंटर के अंडर हो जाएगा। अभी तो प्राइवेट ही था, लेकिन अभी रोज मीटिंगें हो रही हैं, रोज गवर्नर आ रहे हैं, रोज बड़े बड़े मंत्री आ रहे हैं, तो नहीं तो सरकार के अंडर होना चाहिए कि नहीं होना, नहीं होना चाहिए सर, हम तो बोलते हैं हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं हो तो तब भी कोई हमें तो प्रॉब्लम की नहीं इन्होंने सर, हमारा तो चलो रोजगार चल ही रहा है हमारा। अभी ये नया रास्ता खोला इन्होंने, तो इससे देखो ये नया रास्ता खोला इन्होंने, इन्होंने पूरी पहाड़ी कवर कर ली, इधर किसी को एक दुकान बनाने की इजाज़त नहीं है। ये जो नया वाला, हाँ ये सामने दिख रहा है जहाँ से अभी आप आए, कारण यही है श्राइन बोर्ड, जहाँ ये कब्जा कर लेती है वहाँ ये अपनी परमिशन के बगैर किसी को कुछ नहीं करने देती है, उसको पैसे दो तो दुकान वो गंदगी भी तो करती है ना भाई, जितनी दुकानें होंगी उतनी गंदगी होगी, ये बिल्कुल साफ रास्ता है एकदम। देखो इंसान है तो गंदगी होगी, लेकिन सफाई भी तो इन्होंने करवानी है, हर शहर में तो लोग रहते हैं, गंदगी तो हर जगह होती है, लेकिन सफाई कराना भी इनका काम है। अब ये इतनी पब्लिक को संभाल रहे हैं तो लोगों की दुकानों से कितनी गंदगी होगी, लेकिन रोजगार नहीं देते हैं ना ये लोगों को इनको, मैं तो बोलता हूँ एंटर होना चाहिए सेंटर की, इन्होंने अपने रेट बनाए हुए हैं, अपनी गाड़ी का ये 5 किलोमीटर का एक सवारी से 400 रुपये लेते हैं, हमें 50 रुपये रेट दिया है, वो भी कभी ऑटो भगा देते हैं, कभी नीचे भगा देते हैं, कभी ऊपर भगा देते हैं, कोई जिस दिन कोई इनका सीईओ आ जाए तो हमें नीचे रोड पे भेज देते हैं, बोलते हैं इधर नहीं खड़े होना। अच्छा ये भी परेशानी सर, ये मैं तो बोलता हूँ ये है ठीक है, वैसे फैसिलिटी देती हैं, ऐसी बात नहीं है कि यात्री को कोई परेशानी आती हो, इनके बगैर फैसिलिटी मिल भी नहीं सकती है, लोकल कोई नहीं चला सकता इतना बड़ा ये स्थान को, या इतनी फैसिलिटी दे नहीं सकते हैं, बट इन्होंने देखो ना अपने हर एक चीज़ में रेट इनके कितने हाई हैं, तो लोकल लोगों को भी रोजगार देना चाहिए ना, इन्होंने इधर स्टेडियम बनाया उधर किसी को घुसने नहीं देते। हाँ जी, हाँ जी सर, बिल्कुल।